अबू 7 साल पहले फौत हो गया। मेरी अम्मी ने सब्जी बेचना शुरू कर दी, तो फिर मैं स्कूल जाती थी, मेरी अम्मी ने स्कूल छुड़वा दिया, तो फिर घर का खर्चा नहीं चलता था। मेरी अम्मी कहती है कि आप भी कोई काम करना शुरू कर दो, तो फिर मैंने पापड़ बेचना शुरू कर दिए। मैं छोटी सी थी, अपनी बहन के कंधों से नीचे गिरी हूँ और मेरा बाजू टूट गया है। मेरी अम्मी पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा सकी, तो अब तक मेरा बाजू खराब है। बच्चा जो है जाके कमाता है, उन्हीं के पेरेंट्स जो थे ना कहते थे कि आज रात को आपने 500 रुपये ले के आने, चाहे आप चोरी कर लो चाहे कुछ भी कर लो। सुबह सवेरे उठना अच्छी बात है, सब उठते सब तैयार हो के ना तो स्कूल जाते, लेकिन मैं सिर्फ नहीं जाता हूँ, मेरा अम्मी अबू के साथ पैसे नहीं है। मैं मंडी जाता हूँ, मंडी में काम करता हूँ, काम मुश्किल होते लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। मंडी में डकने उठाता हूँ, बेचता हूँ, फिर लड़के भी मरते। पैसे जो कमाता हूँ वो अम्मी को देता हूँ। मेरे भी दिल चाहते स्कूल जाऊँ, लेकिन स्कूल में तो पैसों का जरूरत होते, ये पैसे स्कूल वाले को दे दे तो अम्मी को फिर मैं क्या दूंगा। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं ये तमाम बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड हैं। इन तमाम बच्चों को स्कूल तक लाने में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक एक बच्चे को हम घरों से स्कूल तक लेके आए। जब ये बच्चे स्कूल आने लग गए, स्कूल के अंदर हमारे पास बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं थी जो हम बच्चों को दे सकते। फिर इस्लामिक रिलीफ वाले हमारे पास आए, उन्होंने हमें आगाह किया अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। इस्लामिक रिलीफ ने ही हमारे जो मसाइल को हल किया। पहले वो जिस तरह वो स्कूल नहीं आते थे, बुक्स मिलने के बाद, बैग वगैरह मिलने के बाद बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और वो रेगुलर स्कूल आने लगे और हमारी तादाद में खातिर खास इजाफा हुआ। जिन बच्चों के वालदैन इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे कि वो कमा के लाएंगे और उनके घर का खर्चा चलेगा, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए वोकेशनल सेंटर कायम किए ताकि इनके माँ बाप और इनके बहन भाई यहाँ आएँ और स्किल सीखें और अपनी कमाई का जरिया खुद बनाएं और इन बच्चों से काम ना करवाएं और इन बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पढ़ूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अब जो पैसों की वजह से इलाज नहीं करवा सकते उनका मुफ्त इलाज करूंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली है। आज मेरा पहला दिन है मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पर पैसों के लिए भी जरूरत नहीं है, सब कुछ टीचर देते हैं।